हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, झकास होंगे। आप इसी ढंग से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं मदन स्वामी आपके सामने लेके आया हूं मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आज हम लोग मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दोनों ही बोर्ड में काम आने वाले हैं, CBSE एंड RBSE। और टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमिति अनुपात, जो RBSE बोर्ड में चैप्टर नंबर 6 है, CBSE बोर्ड में चैप्टर नंबर 8 है। बच्चों, दोनों ही बोर्ड्स के अंदर ये 2 से 3 नंबर का आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों के लिए, बड़ा एक कुछ बच्चों के लिए बड़ा हार्ड टॉपिक है। कई बच्चों को लगता है ट्रिग्नोमेट्री मीन्स बहुत बड़ा हवा है, बट स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी टॉपिक है। सबसे अच्छी बात, इस टॉपिक में कहीं भी कोई कैलकुलेट ज़्यादा नहीं करना आपको, कैलकुलेटिव पार्ट बहुत कम है। बस थोड़े से कुछ फॉर्मूलाज, कुछ थोड़े से रूल्स रेगुलेशंस याद करने हैं, और कुछ के मैं आपको ट्रिक बताऊंगा तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। तो बच्चों करते हैं इसको स्टार्ट। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो आपके सिलेबस का पार्ट है उसके अंदर बेटा, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बेस्ड जो ट्रिग्नोमेट्री आपसे पूछी जाएगी, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। बच्चों तो सबसे पहले सीखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों वो होता है जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। जो मैंने बोर्ड बना रखा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। कैसे पता लगा? क्योंकि इसमें एंगल बी पे कितना बना बेटा, 90 डिग्री। एंड रिमेनिंग दोनों एंगल क्या होते हैं, बिलो 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री से कम के होते हैं, उन्हें बोलते हैं एक्यूट एंगल या न्यून कोण। ये दो एक्यूट एंगल या न्यून कोण होते हैं। बच्चों बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो राइट एंगल ट्रायंगल पर काम करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड के कुछ स्पेसिफिक कुछ अलग से नाम होते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले साइड का नाम बच्चों होता है हाइपोटेनियस यानी कर्ण, और रिमेनिंग दोनों साइड में दैट मे बी चेंज, जरूरी नहीं है ये परपेंडिकुलर हो ये बेस हो, बट ये चेंज हो सकता है। एक साइड को अपन परपेंडिकुलर यानी लंब बोलेंगे, दूसरी साइड को अपन बेस यानी आधार बोलेंगे। ये दोनों चेंजेबल हैं। कैसे बोल रहा हूँ मैं, डिपेंड करता है कि हम किस न्यून कोण की, किस एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं। यदि मैं इस एंगल की बात करूँगा बच्चों तो मेरा परपेंडिकुलर इसके सामने वाले साइड यही रहेगा, और ये परपेंडिकुलर तो ये बेस हो गया अपने आप बच्चों, क्योंकि तीन साइड हैं, तीन में 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाली भुजा साइड को बोलेंगे हाइपोटेनियस, ये फिक्स है, इट कांट बी चेंज, ये चेंज कभी नहीं हो सकती। दूसरा कि भाई जिस सीधी इस एंगल की बात कर रहा हूँ तो इसके अपोजिट साइड यानी दिस इज परपेंडिकुलर देन दिस इज बेस, यानी ये यदि लंब होगा तो ये आधार ही होगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ढंग से सुनना है, बहुत ढंग से इस बात को याद रखना है। यदि मैं इस एंगल की बात करूँगा, इस थीटा की बात करूँगा, तो इसके अपोजिट यानी ये साइड अब आपकी बेस नहीं रहेगी, अब बन जाएगी परपेंडिकुलर। और यदि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस फिक्स है, तो रिमेन ये साइड रह जाएगी बच्चों बेस। अब ये बेस यानी आधार कैसे हो गई, ये लंब कैसे हो गई, ये डिपेंड कर रहा था इस वाले कोण पे, इस वाले थीटा पे, कि भाई इस कोण की मैं बात कर रहा था। तो बच्चों आप लोगों ने पता कैसे कहा, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें तीन साइड होती है, तीनों साइड के स्पेसिफिक नाम होता है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो 90 डिग्री अपोजिट साइड वाली को बोलते हैं अपन कर्ण यानी हाइपोटेनियस, रिमेनिंग दोनों साइड्स में से एक को बेस, दूसरे को अपन लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, यानी एक को आधार दूसरे को लंब। अब ये आधार लंब मुझे कौन बताएगा, ये मुझे बताएगा एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। बच्चों इनमें क्या होता है, साइड्स का एक रेशियो होता है, और उन रेशियोज को अपन आज पढ़ रहे हैं। कुछ ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे नहीं, कुछ रेशियोज के नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी ये एक रेशियो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। बच्चों ये क्या क्या होते हैं, बात कर रहे स्टूडेंट्स, अपन हिंदी मीडियम के बच्चे याद रखें, लाल बट्टे कक्का, एंड इंग्लिश मीडियम बच्चे याद रखें PBP HHB। बहुत सारे बच्चे इसको अलग अलग ढंग से पढ़ते हैं, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, व्हाटएवर, आपको इसको याद करना है। क्या फ़ायदा होने वाला है, साइन थीटा जो बेटा जो रेशो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण का, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का। तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लंब बटे कर्ण, तो बेटा यहाँ से याद कर सकते हो डायरेक्टली। दूसरा बच्चों ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आधार बटे कर्ण, ये रहा आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनियस याद कर सकते हो। टेन के लिए बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी इसके लिए हिंदी मीडियम के बच्चे आधार बटे लंब बटे आधार याद रख लेंगे।
तो बच्चों साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन सीधा याद हो गया, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको वो याद है तो। इसका ही रेसिप्रोकल करेंगे आप, साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक बन जाएगा, लंब बटे आधार लंब बटे कर्ण, यानी कि कर देंगे कर्ण बटे लंब। तो हिंदी मीडियम बच्चे ऐसे याद कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम बच्चे इसका रेसिप्रोकल करेंगे यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेकंड बात करते हैं अपन लोग, इसमें क्या बेटा साइन के बाद कॉस था, कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक मिल जाएगा मुझे, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसकी बात करें अपन लोग तो ये क्या था लंब बटे आधार यानी टेन थीटा, तो कॉट की बात करनी है तो कोट हो जाएगा बेटा आधार बटे लंब यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेटा ये रेशियोज आपको याद रखने पड़ेंगे, ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होगी। हिंदी मीडियम बच्चे याद रखें लाल बट्टे कक्का, एंड इंग्लिश मीडियम बच्चे याद रखें पढ़ ले बेटा पढ़ ले हार्ड हार्ड बुक PBP HHB। इतनी सारी यदि बेसिक थोड़ी बातें याद है आपको तो आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत ईजी लगेगा। आगे वाले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग।